बरेली में समाजवादी पार्टी से जीते दोनों विधायकों का पीलीभीत बाईपास रोड पर स्थित सपा के जिला उपाध्यक्ष संजीव सक्सेना के कैंप कार्यालय पर स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में सपाई मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि सपा कार्यकर्ताओं ने चुनाव में बहुत मेहनत की है, पार्टी को हर वर्ग जाति का वोट मिला है। सपा भले ही सरकार ना बना पाई हो, लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश बरकरार है। ऐसे में सपा कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हुआ तो यह बर्दाश्त नहीं होगा। सम्मान समारोह में विधायक अताउर रहमान ने कहा कि बहेड़ी में जनता ने भाजपा सरकार के मंत्री को हराया है। यह मेरी जीत नहीं, जनता की जीत है। जनता ने जिस विश्वास से मुझे वोट देकर जिताया है, यह विश्वास टूटने नहीं दूंगा। भोजीपुरा विधायक सहजिल इस्लाम ने जीत के लिए जनता का आभार जताया। बरेली से खोजी कैमरा के लिए रफी मंसूरी की रिपोर्ट। सबसे पहले तो संजीव सक्सेना जी का और हैदर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने यहाँ हमारे तमाम शहर के जिम्मेदारों को बुलाकर हम दोनों लोगों का स्वागत किया। तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आने वाले समय में अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या मेन विकास कराएंगे? देखिए, अपनी विधानसभा क्षेत्र में जब हमें पहले मौका मिला था, आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब हमने बड़े बड़े काम कराए। मेगा फूड पार्क, डिग्री कॉलेज और 5 पुल बनवाए हमने, 2 ITI, 1 GTI और हॉस्पिटल्स बनवाई, और हमने 5 पुल बड़े बनवाए थे और सड़कें बनवाई थी, बहुत काम हुआ था। लेकिन पिछले 5 साल में हमारे विधानसभा क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की सरकार में राजस्व मंत्री थे, उसके बाद भी एक ईंट भी बहेड़ी में नहीं लगी। और उत्तर प्रदेश में 11 मंत्री हारे हैं योगी जी की सरकार के, जिनमें मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि एक मंत्री को मैंने हराया है। और अब हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारी विधानसभा क्षेत्र में, चाहे सदन के माध्यम से चाहे अधिकारियों के माध्यम से, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो काम बचे हुए हैं वो काम हम लोग पूरे कराएं। और इसके अलावा ज़िले में भी जो हमारे साथी चुनाव हार गए हैं, उनको भी हम बैठने नहीं देंगे और पूरी मेहनत के साथ उनके साथ मिलकर हम सब लोग संघर्ष करेंगे। और इस वक्त जो हमारा उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें जीती हैं, उसके हिसाब से हम लोग 24 लोकसभा की सीटें जीत रहे हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी जो इस टाइम नेता विरोधी दल हैं, उनके नेतृत्व में हम सब लोग समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में संघर्ष करेंगे और उत्तर प्रदेश से हम इतनी सीटें जिताकर भेजेंगे कि दिल्ली में आने वाली सरकार जो केंद्र की होगी बगैर समाजवादी पार्टी के नहीं बनेगी। आज जो है समाजवादी पार्टी संगठन और हमारे जिला उपाध्यक्ष संजीव सक्सेना जी, हैदर साहब, इन लोगों ने मिल करके जो हम लोग ने जीत करके आए विधायक लोग, उन लोगों का और पूरे संगठन का जो है इन्होंने इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। एक बार फिर से आपने भोजपुरा क्षेत्र से चुनाव जीता है, इस बार भोजपुरा की जनता के लिए किस तरीके के विकास कार्य कराएंगे? क्योंकि पिछले 5 साल में वहाँ के जो विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जबकि केंद्र में भी उनकी सरकार, प्रदेश में भी उनकी सरकार, उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं करा पाए कि जनता जिसके नाम पे वोट दी, और जनता ने उनको नकार दिया है, जिसकी वजह से हमें चुन करके उन्होंने विधानसभा में भेजा है। और जो हमने जनता के बीच पहुँच करके जो वायदे किए थे, वो वायदों पर पूरा खरा भी उतरूँगा। कि जैसे अभी हमारे यहाँ पावर हाउस बनना है, सब स्टेशन, वो भी है। और जो हम लोग ने बात रखी थी सड़कों की, वो सड़कें भी जो है धौरा टांडा है, उसके बाद दुरोनिया से भी जो रोड है वो भी जो सड़कें जर्जर स्थिति में, उसको भी बनवाने का काम करेंगे। उसके साथ जो भी विकास के कार्य हैं वो भी सब प्राथमिकता के आधार पर कराए जाएंगे। अभी आपने अपने भाषण में गोली, बंदूक से गोली चलने की बात कही थी, क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से आप बंदूक से गोली चलाने की बात कर रहे हैं? मैंने ये कहा था कि हम लोग विपक्ष में हैं और विपक्ष में, मजबूत विपक्ष में बैठे हैं, 125 सीटें हैं, कि अगर सत्ता पक्ष के लोग ये ना समझें कि हम लोगों की जो है बंदूक में जो है कि गोली नहीं निकलेगी, हम लोग की बंदूक में भी अगर उधर से भी अगर वो लोग पक्षपात करने का, हम लोग को दबाने का काम करेंगे, तो हम लोग भी चुप बैठने का भी सारी पार्टी जो है चुप बैठने का काम नहीं करेगी। आज इस मुबारक मौके पर आप प्रदेश की जनता या फिर भोजपुरा की जनता से क्या अपील करेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ पूरे भोजपुरा की जनता को और प्रदेश की जनता को,
कि जो हुआ वो हुआ, अब हमें जो है आगे की तैयारी करनी है, 2024 की तैयारी करनी है और 2024 के अंदर हमारी पूरी पुरजोश कोशिश जाएगी। जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि हम लोग 24 सीटें जीतेंगे, लेकिन हम लोग जो है कोशिश और कर करके सीट जीत करके और केंद्र में सरकार को चेंज करने का काम करेंगे।